वेरावती सोमनाथ हिंदू युवा संगठन की भव्य ध्वजारोहण शोभायात्रा योजाई हती। 2.5 किलोमीटर लांबी शोभायात्रा में हजारों की संख्या में युवानों तेमज आगेवानों संतो जोड़ाया हता। श्रावण मास निमित्ते युवा हिंदू संगठन द्वारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिरे ध्वजारोहण भव्य कार्यक्रम योजायो हतो। छेल्ला 4 वर्ष थी भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम योजाय छे, जे अंतर्गत वेरावती विशाल शोभायात्रा प्रस्थान करी हती, जे 7 किलोमीटर शहेरना राजमार्गो पर पसार थई सोमनाथ मंदिर खाते पहोंची हती। आ ध्वजारोहणना भव्य कार्यक्रममां संगठनना राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह जाडेजा, राष्ट्रीय सचिव तेमज संरक्षण सहितना पदाधिकारीओ संतो उपस्थित रह्या हता। चौथा वर्षनुं हिंदू युवा संगठन भारत द्वारा आयोजित दादा सोमनाथनुं आ ध्वजारोहण कार्यक्रम तमे जोयुं ए रीते अभूतपूर्व रह्युं। अमारा संगठनना राष्ट्रीय संरक्षक माननीय नीरसिंहजीनी उपस्थितिमां आपे जोयुं के हजारों युवा शिस्तबद्ध रीते दादा सोमनाथने ध्वजा चढ़ावा आव्या। आ ध्वजा पाछळनो उद्देश्य मात्र ठठारो नथी, हंगामो नथी, कोईने बीवड़ावा माटेनुं नथी, पण आ हिंदू समाज जेनुं गौरव सोमनाथ छे। आ यात्राने अमे नाम पण हिंदू गौरव यात्रा आप्युं छे, एटले के हजारों वर्षथी जे मंदिर ने बचावा हिंदू समाजे सतत संघर्ष कर्यो छे, ईज मंदिरनी ध्वजा आजे हिंदू समाजने एकजूट करवानुं माध्यम बनी रही छे। त्यारे वेरावळमां पण रंगे चंगे सनातन समाजना बधाज अंगोए आ यात्राने माणी स्वागत कर्युं, अने आ यात्रा साथे शारीरिक पण जोडाणा, मानसिक पण जोडाणा अने आर्थिक पण जोडाणा। तो आज आ ध्वजानी सफलता छे, अने आज रीते हिंदू युवा संगठन सतत हिंदू समाज में चेतनानुं संचार करतुं रहेशे। बाबा विश्वनाथ की धरती से मैं आज बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, और शिव भगवान के इस अनादि रूप को देखकर मैं यही कह सकता हूँ कि कण कण में शंकर है। आज यहाँ पर हिंदू युवा संगठन के माध्यम से आज यह ध्वजारोहण का यह पुण्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा संगठन भारत के श्री रघुवीर सिंह जाडेजा जी और महासचिव श्री कौशलेंद्र सिंह जी का विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि हिंदू धर्म की जागृति के लिए, हिंदू धर्म के स्वाभिमान, उसके प्रतीकों के प्रति हम युवाओं को जागरूक करने का इस संगठन से काम कर रहे हैं, यह बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। मैं शिव शंकर से अपनी समस्त जनता के लिए, इस पूरे भारतवर्ष के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूँ।